वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू जॉब के बारे में। जो पोस्ट नेम है वो लाइब्रेरी असिस्टेंट का है और नंबर ऑफ जो वैकेंसी है वो 3 है। और आपको क्वालिफिकेशन मांगा गया है मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस यानी एमलिस का, और इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है 1 अप्रैल 2021 है, और जो वैकेंसी आई हुई है BLED डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में आई हुई है, विजयपुरा एक जगह है कर्नाटका में, वहाँ पे ये आपका पोस्टिंग है। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइब्रेरी फील्ड में किसी भी एग्जामिनेशन का, चाहे वो JKSSB हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, या आपका DSSB का हो, या KVS NVS, और भी स्टेट बिहार और राजस्थान या MP या पंजाब या उत्तराखंड, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइब्रेरी फील्ड में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जो आपको क्लिक करके आपको ऐप डाउनलोड करना है लाइब्रेरी एकेडमी, या गूगल प्ले स्टोर में डायरेक्ट जा सकते हैं लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी कम फीस में आपके लिए अफोर्डेबल फीस है, और उतने में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कम फीस में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके कोर्स कराए जा रहे हैं, और उसके साथ MCQ और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है। तो चलिए इसके हम नोटिफिकेशन देखेंगे, और इसके बाद इनके जो वेबसाइट है वहाँ पे मैं चल के आपको दिखाऊंगा। देखिए, इनका ये नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन देख सकते हैं BLDE डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, और डिक्लेयर एज अ डीम्ड टू यूनिवर्सिटी, एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये एक तरह का, और डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और आप देख सकते हैं जो ये विजयपुरा में है, कर्नाटका में पड़ता है, और ये श्री BM पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो है वहीं पे, मतलब कि ये कॉलेज का नाम है BM पाटिल मेडिकल कॉलेज। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 3 है लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। क्वालिफिकेशन जो है देख लीजिए, मास्टर डिग्री मांगा गया है मिनिमम 55%, और उसके बाद आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। बोला गया है कि जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होना चाहिए, यानी कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, इस टाइप से, तो आपका आप एलिजिबल हैं। और हाईली डिजायरेबल यानी कि अगर आपके पास है, यानी कि इंटरपर्सनल एंड टीम बिल्डिंग स्किल्स आपके पास है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, एक्सपीरियंस इन होल्डिंग लाइब्रेरी रिलेटेड सॉफ्टवेयर, तो ये सब अच्छी बात है आपके लिए। ये मतलब कि ये डिजायरेबल है एक तरह का। और रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका जॉब लगने के बाद आपका क्या वर्क रहेगा, ये इन्होंने बताया है। बुक एक्विजिशन सेक्शन में, जर्नल सब्सक्रिप्शन, डेटाबेस सब्सक्रिप्शन एंड रिन्यूअल एंड कैटलॉगिंग एंड बुक प्रोसेस, सर्कुलेशन सर्विस और रेफरेंस सर्विस, वेबसाइट अपडेटिंग, मेंटेनिंग इंस्टीट्यूट रिपोजिटरी, रिकॉर्ड कीपिंग, वर्क शिफ्ट ड्यूटी, लेट आवर एंड हॉलीडे, मतलब इन्होंने ये चीज़ कंडीशन लिखा है, लेकिन इतना आपका काम रहेगा। उसके बाद परफॉर्मेंस एनी अदर ड्यूटीज इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन ETC रिक्वायर्ड टू अचीव द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूनिवर्सिटी। उसके बाद एक आपको अप्लाई करने का जो प्रोसेस बताया है इन्होंने, ये देख लीजिए क्या बताया हुआ है। द इंटरेस्टेड अप्लीकेंट्स मे बी फॉरवर्ड देयर रिज्यूमे विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, स्कैन्ड कॉपी अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल ID, एंड आपको भेज देना। देखिए, आपको इन्होंने बोला क्या है सीधी सीधी कि आपको जो रिज्यूमे है वो तैयार करना है पहली बात, दूसरा बात अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन्ड कॉपी करना है, और स्कैन्ड कॉपी मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आप स्कैन करा लीजिए, जिसमें ग्रेजुएशन है, बिलिस है, एमलिस है, 10th है, 12th है, ये सब आपको कराना है, उसको स्कैन कॉपी करके और रिज्यूमे को सबको एक साथ अटैच कर लीजिएगा। और जब रिज्यूमे बनाइएगा तो उसमें आप ईमेल ID और कॉन्टैक्ट नंबर दो चीज़ें जरूर मेंशन कीजिएगा, और इनके ईमेल ID पर भेज दीजिएगा 1 अप्रैल के पहले। कोई फी नहीं लग रहा है आपको। और देखिए, इनका जो रिज्यूमे का ईमेल ID किस पे भेजना है, किस ईमेल ID पे भेजना है, HR@BLDEDU.AC.IN। आप यहाँ देख सकते हैं ये ईमेल इनका लिखा हुआ है, आप ये ऑन छाड़ दीजिए, यहाँ से आप देख सकते हैं, एक सेकंड, ये आप HR@BLDEDU.AC.IN इस पे आपको ईमेल करना है 1 अप्रैल के पहले। उसके बाद बात करते हैं लोग नोट में, इन्होंने बोला है नो नीड टू सेंड एनी हार्ड कॉपी, आपको कोई भी हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ईमेल के थ्रू आप भेज सकते हैं रिज्यूमे और अपना डॉक्यूमेंट। अगर आप ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं या वेरिफिकेशन करना चाहते हैं कि सच में ये वैकेंसी आई हुई है कि नहीं, तो आप इनके वेबसाइट पर जाइए BLDEDU.AC.IN। मैं इनके वेबसाइट पर ले चलकर आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। देखिए, हम लोग आ गए हैं इनके वेबसाइट पे, आई थिंक ओपन हो रहा है। देखिए, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन जो ये रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ थोड़ा सा ये कटा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ पे देखिए
यहाँ पे बार बार एक चीज़ें हो रही है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वैकेंसी फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे वैकेंसी फॉर लाइब्रेरी असिस्टेंट, ये जो यहाँ पे मैं माउस ले जा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे रेड कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे वैकेंसी फॉर लाइब्रेरी। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। बाकी ये वेबसाइट है और आप इनके वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है BLDEDU.ac.in, देखिए BLDEDU.ac.in। और ये डीम यूनिवर्सिटी है यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, और इन्होंने सैलरी के बारे में नहीं बताया है और कब आपको कॉल करेंगे ये इन्होंने नहीं बताया। बस इतना है कि इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा और एक आपको कॉल आएगा, ईमेल भी आएगा, और उसके थ्रू आपको बताया जाएगा कि आपका कब इंटरव्यू होगा, कब आपको जाना है। और अगर आपको लगता है कि कर्नाटका आप जा सकते हैं, आपके लैंग्वेज उस तरह हैं और आप या उस रीजन के हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक है, लाइब्रेरी एकेडमी, आप जरूर डाउनलोड कीजिए। एक बार आप देखिए वहाँ पे डेमो लेक्चर अवेलेबल है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको अफोर्डेबल प्राइस में, आपको मिनिमम प्राइस हम कह सकते हैं, उतने में आपको कोर्सेस मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।